सिंगरौली जिले में कोरोना वायरस से मुक्त होने की खबर से लोगों ने जहां चैन की सांस ली, वहीं अब जिले में दो नए कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि होने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि पुणे से आए युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। 20 वर्षीय युवक जब अपने घर आया तो उसका ब्लड सैंपल रीवा मेडिकल कॉलेज जाँच के लिए भेजा गया, जहाँ से उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मामले में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। वहीं दूसरी दिल्ली से आई 27 वर्षीय महिला को रास्ते में ही पता चल गया कि उसे कोरोना वायरस है, तो वह घर न जाकर सीधे जिला अस्पताल पहुंच गई, जहां से क्वारंटाइन कर दिया गया। सूत्रों की माने तो घरौली निवासी युवक की रीवा संजय गांधी हॉस्पिटल से रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद घरौली गाँव को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया है। साथ ही युवक के साथ अन्य लोगों को चिंतित कर क्वारंटाइन कर दिया गया। आज सिंगरौली जिले में दो पॉजिटिव मरीज हैं, उनमें से एक की उम्र 27 वर्ष है, जो नवजीवन बिहार की रहने वाली है। ये दिल्ली से आए थे और इनको रास्ते में ही ये पता चल गया था कि इनको उनकी जो रिपोर्ट है, दिल्ली गवर्नमेंट में टेस्टिंग हुई थी, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, तो सीधे जिला अस्पताल आ गए थे। अतः इनके यहाँ कोई भी कॉन्टैक्ट का जो एरिया है वहाँ नहीं हुआ है, तो वहाँ कोई कंटेनमेंट एरिया वहाँ घोषित नहीं किया गया है। दूसरा जो पॉजिटिव केस है वो उम्र 20 का है, घरौली कला का, और उसकी जो घरौली कला क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। ये 16 तारीख को महाराष्ट्र से यहाँ जिले में आए थे और इनके जितने भी साथी थे उन सभी को आइडेंटिफाई करते हुए उनको भी क्वारंटाइन का प्रोसीजर किया जा रहा है। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।